हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो यार, बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई ब्लैक मिरर के सीजन के बारे में बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में। और मैंने नोटिस किया कि बहुत से रिव्यूअर्स है यूट्यूब में, लेकिन किसने भी ये सीजन को कवर नहीं किया। तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तीनों के तीनों सीजन देख लूं। और मैं तीनों के तीनों सीजन देख चुका हूँ। तीन सीजन देखने के लिए मुझे लगभग 3 दिन का टाइम लगा, क्योंकि हर एक एपिसोड, इसमें अगर सीजन वन की बात हो, सीजन वन में 3 एपिसोड देखने को मिले, उनकी लेंथ थी 44 मिनट से लेके लगभग 1 घंटे 6 मिनट की। फिर सेकंड सीजन में हमें 4 एपिसोड देखने को मिलते, उनके इसमें भी 48 मिनट से लेके लगभग 1 घंटा 15 मिनट के एपिसोड है। फिर सीजन थ्री में हमें 5 एपिसोड देखने को मिले, उसकी भी लेंथ लगभग 50 मिनट से लेके करीब 1 घंटा 15 मिनट तक की है। तो ये ज्यादा लेंथ होने की वजह से, और हर एक कहानी, चाहे वो सीजन वन के 3 एपिसोड हो या सीजन थ्री के 5 एपिसोड, हर कोई भी कहानी एक दूसरे से लिंकअप नहीं है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, सीजन वन की बात करूं, सीजन वन में ऐसी ऐसी कहानी बताई गई जो मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से भी परे है। कुछ तो ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैं खुद भी कभी बिलीव नहीं करता था कि इस तरीके के भी राइटर्स है जो इतनी आगे की सोच रख के कहानी लिखते हैं। ये सीजन वन और टू और थ्री, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एपिसोड है जहां पर आपको जो टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, उससे इंसान को किस तरीके से फायदा होगा, किस तरीके से नुकसान होगा, इंसान उससे कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना बुरा काम कर सकता है, वो हमें बताया गया। और इतनी बिलीवेबल तरीके में बताया है, वो तो हॉलीवुड वाले ही कर सकते हैं। हैट्स ऑफ करूंगा मैं तो उन लोग, क्योंकि आप लोग अगर नोटिस करते हो, अगर आप लोग हॉलीवुड की फिल्में देखते हो, तो हॉलीवुड की फिल्मों में इतने फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर्स, बड़े बड़े प्लेन, फाइटर जेट, ये सब बताते हैं। असल जिंदगी में वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो इतनी सफाई से बताते हैं कि आप वो सब चीजें बिलीव करते हो। इस वेब सीरीज में ब्लैक मिरर 1, 2, 3 इन सीजन में भी ऐसी ऐसी कहानी बताई गई, उसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बताई गई है जो रियल जिंदगी में नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से बताई गई और कहानी के साथ बताई गई जो आप सोच कर बिलीव करते। और मेरे कुछ कुछ कहानी देखे तो रोंगटे खड़े हो गए थे यार, इतनी जबरदस्त कहानी है, सारी की सारी कहानी इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर सीजन वन और सीजन टू और सीजन थ्री की बात करूं, तो सीजन वन बहुत ज्यादा बेटर है। सीजन टू और सीजन थ्री की एक गलत बात यह लगी मुझे कि उसमें के जितने भी एपिसोड थे, तो सारे एपिसोड रोमांचक और इंटरेस्टिंग नहीं, कुछ एपिसोड मुझे पर्सनली बोर कर रहे थे। चाहे वो लेस्बियन की कहानी हो एपिसोड सीजन थ्री में, वो मुझे पर्सनली इतनी अपीलिंग नहीं लगी। और दूसरी एक फाइटिंग थी, तो बहुत सी जो कहानी जो मुझे अपीलिंग नहीं लगी थी, कुछ ऐसी थी जो मैं देखते देखते मतलब मैं उस चीज में खो गया। आप यकीन नहीं करोगे, 1 घंटे के एपिसोड से कहां जा रहे पता नहीं चल रहा, और देखने में जो इंटरेस्ट है ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो बरकरार रहता है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ ये कोई लो बजट वाली वेब सीरीज नहीं है, यहाँ पर आपको हॉलीवुड में काम करने वाले जबरदस्त एक्टर्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो सीजन वन हो, चाहे सीजन टू है, सीजन थ्री हो, हर एक सीजन में आपको अलग अलग हॉलीवुड के एक्टर्स देखने को मिलेंगे। और उन लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी किया। यहाँ पर डायरेक्टर भी आपको बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, क्योंकि मोस्टली अलग अलग एपिसोड को अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, कहानी अलग अलग राइटर्स ने लिखी है। और परफॉर्मेंस की बात को तो सभी एक्टर्स ने अपना 100% दिया है। क्योंकि 100% देने की उनकी वजह यह थी, क्योंकि इसमें जो कहानी है वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इंसान बहुत ही उसके अंदर डूब जाता है कहानियों में। और कुछ कुछ कहानी तो जैसे कि मैंने बोला कि रोंगटे खड़े कर देगी, और कुछ कुछ कहानी आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से खौफ भी पैदा कर देगी। कुछ कुछ टेक्नोलॉजी देखकर आपको ऐसा लगे हाँ यार, ये हाँ ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी अपने होना ही चाहिए, आगे चल के इन्वेंट होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं कि कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे आंखों से रिलेटेड बताई, यानी कि आंखों में एक हिसाब से देखा है, तो जैसे कि आप मोबाइल में कैसे स्टोरी पूरे वीडियोज या आपने जो भी फोटोज क्लिक करते हो या जितनी भी अपनी चीजें होती है अपने मोबाइल में रहते हैं, तो वैसे अपनी आंखों के अंदर वो कैसे चिप लगाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी बताई जो रियल लाइफ में है नहीं, लेकिन इस वेब सीरीज में आपको देखने मिलेगी, और इतनी अच्छी तरीके से दिखाई गया है कि आप उसे बिलीव करने लगे। तो मैं तो बस इतना ही बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा ये वेब सीरीज नहीं देखी, तो आप लोग समझ लेना कि आप बहुत बड़ी चीज मिस कर चुके। ऐसे एपिसोड से वो दोबारा कभी बनने वाले है नहीं, और दोबारा इस तरीके का परफॉर्मेंस, इस तरीके की राइटिंग आपको देखने नहीं मिलेगी। तो जितने भी दोस्त मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई ब्लैक मिरर का रिव्यू करो, मैं आप लोगों से इतना बोलूंगा थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये वेब सीरीज देखनी है, तीनों के तीनों सीजन देखने, तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों सीजन की लिंक वहां पर जाके सेंड करूं, ताकि वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख सको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। मैं आप लोग से इतना बोल रहा हूँ कि एक भी कहानी के बारे में आप लोग को बताऊंगा तो जो उसका मजा है, जो इंटरेस्ट है, वो खत्म हो जाएगा। और सीजन वन तो जरूर देता, क्योंकि सीजन वन मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, उसकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सीजन टू और सीजन थ्री के कुछ कुछ एपिसोड मुझे पर्सनली अच्छे लगे। अगर आप लोग को अच्छे लगेंगे और भी, तो आप लोग की अपना ओपिनियन है, मैं तो अपना ओपिनियन देता हूँ। और मेरी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है, ये ब्लैक मिरर वेब सीरीज को बिल्कुल ना छोड़े।
तो जल्दी से जल्दी ये वेब सीरीज को देखे, आपको मेरी मेहनत पसंद आई, अगर मेरे जो तीन दिन की जो मेहनत थी अगर आपको जरा भी पसंद है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें, जो साथ ही बेल आइकन उसे प्रेस कर दे। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय।